तो भाई लोगों क्या हालचाल है, ये है मेरे पास वन प्लस का फ्लैगशिप पिलर वन प्लस 12R एंड इस फोन को मैं पिछले 60 दिनों से एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज कर रहा हूँ। भाई डेली मैं इसमें 3 से 4 घंटे BGMI खेलता हूँ। इन फैक्ट इससे मैंने काफी सारी वीडियोस वगैरह भी शूट करी है एंड डेली लाइफ के जितने भी टास्क है ना मैं सब इसी से परफॉर्म करता हूँ। तो अगर आप इस वाले डिवाइस को बाय करने वाले हो, जैसे भाई अमेजोन और फ्लिपकार्ट की सेल आ रही है वहां पर प्राइस ड्रॉप होता है, तो अगर आप चाहते हो इसे बाय करना तो भाई ये वाले वीडियो बस आप एंड तक देख लेना, क्योंकि 60 दिन का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप चैनल वाली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बॉक्स की बात करता हूं तो बॉक्स में आपको 100 वॉट का चार्जर, एक टाइप सी केबल, एक TPU केस, साथ में मेन डिवाइस एंड एक सिम इजेक्टर टूल मिलती है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं एंड ये रेड कार्ड। अगर बात करते हैं फोन के इन एंड फील के बारे में, तो जो फोन है ना भाई वो आपको थोड़ा सा हैवी फील होने वाला है, लगभग 200-210 ग्राम के आसपास आपको वेट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि भाई ये डिवाइस अपने साथ 5500mAh की बैटरी लेकर आता है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया 100 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाता है, जो कि आपके फोन को 10 मिनट में 45% तक चार्ज कर देगा। बाकी बैक साइड की बात करता हूं तो ग्लास बैक डिजाइन आपको मिल जाता है, नो डाउट जो फोन है वो काफी प्रीमियम फील होता है। लेकिन भाई एक डिसएडवांटेज भी है, जो आपके फिंगरप्रिंट्स है ना भाई वो काफी ज्यादा पड़ने वाले हैं, या तो आप एक कवर यूज कर सकते हो या फिर अपने फोन को ऐसे करके क्लीन करने में लगे रहना। बाकी फ्रेम की बात करता हूं, भारी होने का एक और मेन रीजन है कि जो उसका फ्रेम है वो आपको मेटल के देखने के लिए मिल जाती है, जिससे कि जो फोन है उसकी मजबूती तो बढ़ जाती है, साथ जो इन एंड फील है ना भाई सर्दियों में ठंडा ठंडा फील होने वाला है। फ्रंट साइड की बात करते हैं तो 6.78 इंच की प्रो XDR AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 120Hz पर वर्क करती है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, 10-bit डिस्प्ले प्रोवाइड करवाई गई है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है एंड जिसकी आउटडोर ब्राइटनेस है ना भाई वो है 4500 निट्स की। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले है ना भाई वो नंबर्स के मामले में तो काफी बड़े बड़े फेंक रही है, लेकिन अगर असलियत में आपको बताता हूं तो काफी अच्छी डिस्प्ले प्रोवाइड करवाई गई है। इवन जो डिस्प्ले है ना वो आपको स्लाइडली कर्व्ड देखने के लिए मिल जाती है, जिससे कि जो उसकी प्रीमियमनेस है उसमें 4 चांद लग जाती है। नो डाउट भाई मैं अपने 60 दिन के एक्सपीरियंस में डिस्प्ले से बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। आप आउटडोर में यूज करिए, इनडोर में यूज करिए एंड जैसे हम गेमिंग करते हैं तो मल्टी फिंगर्स यूज करते हैं, जैसे 4-5 फिंगर हम खेलती है तो उसमें भी कोई दिक्कत आने वाले नहीं है। डिस्प्ले का साइज काफी अच्छा है, आप आराम से 4 या फिर 5 फिंगर गेमिंग कर पाओगे एंड अगर आपको मूवीज वगैरह भी देखने आना भाई तो नो डाउट काफी बड़ी डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करवाई गई है, कंटेंट कंजम्पशन में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर बात करते हैं ऊपर की साइड के बारे में तो सेकेंडरी माइक्रोफोन, सेकेंडरी स्पीकर एंड साथ में IR ब्लास्टर मिल जाता है एंड भाई आपको स्पीकर्स में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है एंड अगर ओवरऑल स्पीकर्स की बात करता हूं तो काफी लाउडर स्पीकर्स आपको प्रोवाइड करवाई गई है। इन स्पीकर्स का एक छोटा सा सैंपल ये रहा। तो ये तो था कि स्पीकर का छोटा सा सैंपल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ओवरऑल जो स्पीकर है वो आपको कैसे लगे। बाकी यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी प्रोवाइड करवाया गया है, जो कि काफी अच्छे से वर्क करता है, डेली लाइफ में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई है एंड उसकी पोजीशन भी है भाई वो भी काफी अच्छी प्रोवाइड करवाई गई है, जैसे फोन जेब से निकालते हैं तो डायरेक्ट हैंड जो हमारा फिंगरप्रिंट के ऊपर ही पड़ता है। बाकी अगर बात करते हैं इसके कैमराज के बारे में तो 50+8+2 MP के आपको बैक साइड पर सेंसर प्रोवाइड करवाई गई है, जो 50 MP का सेंसर है वो सोनी का है, यहाँ पर आपको AIS एंड OIS दोनों का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल जो कुछ कैमरा सैंपल्स हैं मैंने इससे शूट किया है, डेली लाइफ में उनका मजा ले सकते हो। फ्रंट साइड पर आपको 16 MP का सेंसर प्रोवाइड करवाया गया है, जिससे आप काफी अच्छी सेल्फीज निकाल सकते हो। ये कुछ कैमरा सैंपल्स हैं जिनसे कि मैंने डेली लाइफ में काफी सारी सेल्फीज क्लिक करी है, उन्हें आप देखकर ओवरऑल जज कर सकते हो कि इसका फ्रंट कैमरा है वो कैसा परफॉर्म करता है। नहीं पर अगर मैं बात करता हूँ ना वीडियोग्राफी के बारे में तो बैक साइड पे आप 4K 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन वहीं पर अगर फ्रंट साइड की बात करते हैं तो 1080 30fps है। ये बात मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, हमने 30-40 हज़ार रुपए देकर एक डिवाइस बाय किया जो कि फ्लैगशिप लेवल का डिवाइस है एंड इसमें आपको 4K 60fps फ्रंट साइड पर नहीं मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं मोस्ट अवेटेड पार्ट इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये वाला डिवाइस अपने साथ स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर लेकर आता है, जो कि 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है एंड जिसके एंटीटू स्कोर है वो 13 लाख 13.5 लाख के आसपास निकल कर आता है, यानी 1.3 मिलियन का आपको एंटीटू स्कोर मिल जाता है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई मैं इससे डेली BGMI खेलता हूं तो स्मूथ पर आपको 90fps प्रोवाइड करवा देता है, फर्दर हायर सेटिंग्स भी यहां पर अनलॉक्ड है एंड यहां पर जरा कुछ गेम प्लेज मैंने रिकॉर्ड किया है। अगर आप पर्सनली इस वाले डिवाइस को गेमिंग के लिए बाय करने वाले हो ना तो ये वाला पार्ट बिल्कुल स्किप मत करना। तो फटाफट से हम जरा टेस्ट करते हैं FPS मीटर वगैरह लगा कर कि ये रैंगल वगैरह में TDM में कितने फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले भाई अगर हम बात करते हैं ना इसके BGMI ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं आपको ग्राफिक्स एंड ऑडियो में लेकर चलता हूँ तो स्मूथ पर आपको एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, यानी 90fps आपको अनलॉक्ड मिल जाएगा। बैलेंस पर आपको एक्सट्रीम, HD पर आपको एक्सट्रीम, HDR पर भी आपको एक्सट्रीम तक का फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर जहाँ तक मैं खेला हूँ इसमें एंड, लेकिन अल्ट्रा HD में आपको सिर्फ अल्ट्रा तक के ग्राफिक्स मिलते हैं, यानी फिलहाल डाउनलोडेड भी नहीं है। फिलहाल हम सबसे पहले स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस पर एक गेम प्ले निकालने वाले हैं, फाइंड आउट करेंगे कि ये ओवरऑल कैसा परफॉर्म करता है। तो लेट स्टार्ट।
अच्छा Watch out. आर डैमेज सर बढ़िया कितने पड़े पता नहीं सर बैंक आ रहा था मार अरे भोसड़ी के पीछे ता गए आर फुल टू डैमेज अब अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इसके बैटरी बैकअप के बारे में तो 5500 mAh की बैटरी मिल जाती है, 100 वोल्ट का चार्जर मिलता है एंड नो डाउट भाई आपका एक से डेढ़ दिन ये आराम से निकाल देगा अगर आप इसे नॉर्मल यूजेस पे यूज करते हो एंड अगर आपको गेमिंग वगैरह भी करनी है ना, जैसे भाई मैं डेली गेमिंग करता हूँ 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे आराम से मैं बीजे इसमें खेलता हूँ तब भी ये एक दिन से ऊपर आराम से चल जाता है। एंड अगर आप नॉर्मल यूज करते हो अगर आपको गेमिंग वगैरह नहीं करनी है तो 2 दिन भी आपका ये आराम से निकाल देगा। इसकी बैटरी बैकअप है वो काफी अच्छा आपको निकाल कर देगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी जो भी बंदा इसे बाय करेगा यार उसका यूज इसका एक्सपीरियंस अलग होगा, वो किसी और तरीके से यूज करेगा, किसी और एनवायरमेंट में यूज करेगा, तो बैटरी बैकअप यार उन पर भी डिपेंड करता है। बाकी मेरे लिए इसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, 1 से 1.5 दिन आराम से निकाल देता है। पर अगर हम बात करते हैं इसके कुछ अंदरूनी यंत्र के बारे में तो ऑक्सीजन ओएस 14.0 पर ये वर्क करता है भाई, एंड्रॉइड 14 इसमें प्रोवाइड करवाया गया है। मेरे पास जो ये वेरिएंट है भाई ये 8GB 256GB एंड इसकी रैम को हम 8GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं तो ओवरऑल 16GB 256GB वाला वेरिएंट हो जाता है। एंड करंट में जो इसकी प्राइसिंग निकल कर आती है ना वो आती है 42 से 43 हजार रुपए। अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट से बाय करते हो तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला डिवाइस ना मैंने 1 महीना यूज बाय किया, मतलब जिसने भी ये बाय किया उसने बस इसे 1 महीना यूज किया था उसके बाद सेल कर दिया था, तो ये 1 महीना चलता हुआ था। इसकी मैंने समथिंग 38-37 thousand के आसपास इसे बाय किया है एंड इस वाले प्राइस सेगमेंट पर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि 1 महीना यूज किए हुए डिवाइस में क्या ही दिक्कत आ सकती है, ना कोई स्क्रैच था ना कुछ, बिल्कुल ब्रांड न्यू डिवाइस था ये हमारे पास। आप जैसे किसी ऑफलाइन मार्केट में जा सकते हो जहाँ पर आपको रीयूज डिवाइस मिल जाती है, जैसे किसी ने 1-2 महीना यूज किया उसके बाद सेल आउट कर देती है, फिर आप वेट कर सकते हो जैसे बिग बिलियन डेज की सेल आने वाली है, अमेजोन की अमेजोन फेस्टिवल सेल आने वाली है क्योंकि 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर आपको उसकी प्राइसिंग अगर आप बेस्ट वेरियंट इसका बाय करते हो तो मेरे हिसाब से 30-32 हजार के आसपास आपको ये मिल जाएगा, जो की काफी अच्छी डील रहेगी इस वाले डिवाइस में, क्योंकि भाई ये वाले डिवाइस ना आपको ऑलमोस्ट फ्लेक्सिबल लेवल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड पाने वाला है भाई, मैं से लेकर काफी ज्यादा खुश हूँ, टचवुड काफी अच्छी डिवाइस चल रहा है। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ओवरऑल आपको ये वाली आज की वीडियो कैसी लगी एंड अगर आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर से करना। बाकी अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, मेरा यूजर नेम है techboomer01, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी तो एक बार जाकर फॉलो जरूर से कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।